हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का 5:30 हो रहा है। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ये बंदा है, नाम है इसका अरेक। हाय, सब पहचान गया होगा, बिक्की। बात कुछ इस प्रकार है कि आज मॉर्निंग में बाहर निकलने के बाद बिल्कुल पॉजिटिव वाली वाइब आ रही है, तो इस चीज़ से इम्प्रेस होके बिक्की बाबू जो बोल रहा है तो मैं मॉर्निंग में निकलूँगा। हाँ, डोंट वरी, पटने वाले ये मॉर्निंग में कभी नहीं निकलने वाला है। घोड़ा बेच के 9 बजे तो सो के उठेगा ये लौंडा। अभी जब मैं रास्ते से क्रॉस आ रहा था तो लोगों को मंदिर पे पूजा अर्चना करते हुए देखा तो मुझे याद आया, अरे आज तो रामनवमी है। आप लोग को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से भी और मेरे तरफ से भी। फिलहाल मैं बाईपास के ऊपर हूँ, यहाँ से ऑटो लूँगा और पटना जंक्शन की तरफ जाएंगे। मॉर्निंग का ही ट्रेन है, 6:15 बजे रामकृष्णा नगर से बस स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ। कितनी दुर्भाग्य की बात है ना कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी चुनाव के वक्त हमारे देश का मुद्दा नाला, सड़क, रोड ये सब होती है। फिलहाल सड़क का नज़ारा देखो, मीनापुर बस स्टैंड के पास आ चुका हूँ। यहाँ से ऑटो लिया हूँ, ये रिक्शा स्टेशन जाने को लेकर फाइनली स्टेशन आ चुका हूँ। हाय, हमेशा की तरह चाय की तलब हो रही है, चाय तो पीना पड़ता है यार। भाई ये जो चाय मैं पी रहा हूँ, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि गाय और भैंस ने अधिक पानी पी रखा है। इसलिए हम लोग स्टेशन के कंपस में इंटर कर गए हैं। यार पटना जंक्शन का कंपस इतना खाली खाली दिख रहा है, कुछ अजीब नहीं लगता, क्योंकि अक्सर पटना जंक्शन पे भीड़ ही भीड़ हुआ करता है। और हाँ, एक और मैटर करता है, हम लोग करवीघिया साइड है तो करवीघिया साइड थोड़ा कम भीड़ होता है कंपेयर टू महावीर मंदिर साइड। गया पहुंच चुका हूँ, प्लेटफॉर्म आ गई है। ये था पटना टू गया ट्रेन ट्रिप। गया आने के बाद सुकून ही कुछ और मिलती है।